कोरोना वायरस को लेकर सभी स्कूल और कॉलेज के प्रबंधकों ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए थंब मशीन की जगह फेस मशीन का इस्तेमाल हाजिरी के लिए किया गया है। शहर का सरकारी दफ्तर हो या हो फिर निम्न सरकारी या प्राइवेट संस्था या हो कोई भी दफ्तर, यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी अपनी हाजिरी थंब मशीन पर देते रहते हैं, जिसके चलते हाजिरी उनकी लगती थी। एक ही मशीन पर सारे कर्मचारी थंब लगाकर अपनी हाजिरी लगाते हैं, लेकिन जब से शहर में कोरोना वायरस ने अपने पांव पसारे हैं, तब से स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में थंब मशीन की जगह आंख इम्प्रेशन मशीन लगाई गई है, जिससे सिर्फ आंख और चेहरे की स्क्रीनिंग होती है और हाजिरी लग जाती है। कोरोना वायरस की दहशत इतनी फैली हुई है कि अब स्कूल प्रबंधन भी इसके चपेट में आते हुए दिखाई दे रहा है, और स्कूल प्रबंधन की ओर से जो एक पंचिंग मशीन जो लगाई गई, जो थंब इम्प्रेशन बोलते, थंब लगाने के बाद भी उनकी हाजिरी लगती थी, मगर कोरोना वायरस की दहशत से और उनमें कुछ सुधार होना चाहिए, इसलिए कुछ स्कूल द्वारा यहाँ पे एक फेस मशीन लगाई गई है। आइए हम सीधा बात करने चाहेंगे, हाल ही में एक मैडम यहाँ पे जिन्होंने अभी ये फेस मशीन के ऊपर में हाजिरी लगाई। मैम ये बताइए कि ये कितनी महत्वपूर्ण मशीन है, क्या कहना चाहूंगी इस मशीन के बारे में? सर ये फेस पंचिंग के द्वारा हमारे यहाँ पर प्रेजेंट ही लगती है, ये दी साउथ पब्लिक स्कूल में हमारी जो प्रेजेंट ही लगती है पूरे स्टाफ की, तो वो फेस पंचिंग से लगती है। अभी पहले जो था हमारा थंब इम्प्रेशन था, थंब इम्प्रेशन से हमारी प्रेजेंट ही लगती थी, लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से हम यहाँ पर फेस पंचिंग कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारी प्रेजेंट ही लग जाती है इसमें। कितना महत्वपूर्ण लगता है ये मशीन लगने से? सर अच्छा है ये, मतलब कैसा है, फेस पंचिंग के वजह से पूरा फेस ही अपना कवर होता है उसमें, और प्रेजेंट भी लगती है अपनी। कितना महत्वपूर्ण है सर? आंखों की वजह से ही हमारा फेस पंचिंग इसमें होता है, जो हमारे स्कूल में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आंखें वहाँ पर सीधी ये करने से अपना हमारा प्रेजेंट ही लग जाती है उसमें। ये वही मशीन है जहाँ पहले थंब लगाया जाता था, अब ये फेस यानी आंखों से भी यहाँ पे हाजिरी लग सकती है, और ये काफी अच्छी बात है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, NBC न्यूज।